काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है फेज वन की VIT ट्रिपल ई की। 2023 के एडमिशंस इसी काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं और VIT में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है लेना, बिकॉज हमारी सर जो रैंक 5000 तो आ गई है लेकिन कोर CS नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करें सर, हमारे पास में क्या ऑप्शंस बन रहे हैं, क्या चॉइस पुलिंग रखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो आपने कट ऑफ शेयर की है उसके बेसिस पे तो बहुत डिफिकल्टी आ रही, किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखना है कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तो मैं ये सिंपली बोलूँगा, आप इन जनरल व्यू पे आप इस प्रेफरेंस को कंसीडर कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक मैं ये बोलूँगा कि कंप्लीट चॉइस फिलिंग ना बिल्कुल आप एज इट इज़ मत करना, बिकॉज ये कॉमन डेटा है। आप इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हो, इसके बेस पे चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लेकिन इस डेटा को आप कंप्लीट एज इट इज़ मत कर देना, बिकॉज ये जो चॉइस फिलिंग है हर एक प्रोफाइल पर फिट नहीं बैठेगी, मैं पहले से बता रहा हूँ। इसलिए किसी की चॉइस होगी सर हम डेटा साइंस ऊपर रखेंगे, बिकॉज AI ML अभी आया है, पहले था नहीं। सिंपली अगर हम बात करें कि क्या प्रेफरेंस रखनी है कैसे चलेंगे, तो कुछ प्रेफरेंस आपका इस तरह से ओपन हो रहा होगा। सबसे पहले आप कैंपस सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर VIT वेल्लोर आ रहा होगा है ना, फिर चेन्नई आएगा है ना, VIT भोपाल आएगा ठीक है, और इसके बाद VIT AP आएगा, और उसके बाद में एक ब्रांच प्रेफरेंस मतलब ब्रांच सिलेक्शन का ऑप्शन होगा। तो मैं वेल्लोर कैंपस के अंदर बोलूँगा, सबसे पहले आप इधर कैटेगरी वन सेलेक्ट कर लेना। कैटेगरी वन सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले CSE कोर आएगा ठीक है, उसके बाद में CSE AI ML आएगा ओके, और CSE डेटा साइंस आएगा। बहुत बार क्या होता है कि जो CSE डेटा साइंस है आप लोग ना इसको ऊपर रखने की कोशिश करोगे, बिकॉज ये नया वाला ब्रांच इसी साल आया है, इससे पहले नहीं था। इसके बाद में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, IoT का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, बिजनेस सिस्टम का और IT का। यार आप IT सर ये बीच में कैसे, बिकॉज बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये पूरा प्रेफरेंस ऐसे ही रहेगा और कैटेगरी वन। अब फिर कुछ बच्चे होंगे जो कैटेगरी टू की तरफ जाएंगे, अब इसमें हम लोग क्या हेल्प करते हैं, जब बच्चा मेरे से डिस्कस कर रहा होता ना तो मैं उसको बता पाता हूँ कि भाई ये आपके लिए वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा। वन के बाद में सीधा आपको कोर CS2 फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको चेन्नई डालना चाहिए कि बीच में नहीं डालना चाहिए। अब बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं ना, मतलब चेन्नई जाना है कि नहीं जाना है, अब स्पेशलाइजेशन के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एक अपनी वांट टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो हमारी सेट आउट नहीं होती चॉइस फिलिंग में, तो उसको सेटल्ड करने का काम हमारा है। मैं आपके जो डाउट्स क्वेरीज हैं उसको क्लियर कर देता हूँ, ये प्रेफरेंस रहेगा। इसके बाद में सेम प्रेफरेंस को आप कैटेगरी टू में रिपीट कर सकते हैं, सेम प्रेफरेंस को आप कैटेगरी थ्री में भी रिपीट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, कुछ लोग क्या करते हैं पहले इस ब्रांच प्रेफरेंस को फिक्स रखेंगे, कैटेगरी वन कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री एज पर द रैंक कंफर्टेबिलिटी। इसीलिए बोल रहा हूँ, मैंने बहुत बच्चों को चॉइस पुलिंग लास्ट ईयर दी थी, यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट भी दिख रहे होंगे रैंक वाइज, आप उनको पोस्ट करके ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो बात थी वेल्लोर की, अब आ जाते हैं हम चेन्नई में। तो VIT चेन्नई में सबसे पहले CSE कोर, CSE AI ML, CSE AI एंड रोबोटिक्स, तो यहाँ पर AI एंड रोबोटिक्स है, बिकॉज इससे पहले ना वेल्लोर कैंपस में CSE AI एंड ML नहीं हुआ करता था, चेन्नई में हुआ करता था, तो मतलब इनका एक USP सिस्टम ऐसा था, जितनी अच्छी ब्रांच वो थोड़े से नीचे के कैडर वाले कॉलेज में होगी, मतलब ये कि वेल्लोर में नहीं देंगे चेन्नई में दे देंगे तो हमारी चेन्नई की सीटें अपने आप फिल हो जाएंगी। लेकिन एज पर द स्टूडेंट डिमांड अब इस बार ये लोग AI ML मेन कैंपस में भी ले आए हैं, थैंक यू फॉर दैट। इसके बाद में CSE डेटा साइंस, CSE साइबर फिजिकल सिस्टम, इसके यहाँ पर IT ब्रांच नहीं है, है ना। जो भी ब्रांच प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग में आ रही है वही आपको फिल करनी है, लेकिन बहुत ही सिस्टमैटिक पैटर्न में। और इसमें ये सब तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत अगर स्पेशलाइजेशन ऊपर नीचे होगा चलेगा, और दूसरा चीज़ मतलब जो कैटेगरी है, अदरवाइज एक छोटी सी मिस्टेक और आपकी कैटेगरी बदल गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी मिस्टेक और आपका प्रेफरेंस ऊपर नीचे होने की वजह से हो सकता है आपको एक ऐसा स्पेशलाइजेशन मिल जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसलिए पहले ही डिस्कस कर लो, पहले ही समझ लो। अगर आपको चॉइस फिलिंग लेनी है तो आप हमारी टीम से बात करो, कंप्लीट काउंसलिंग एकदम गारंटीड अलॉटमेंट तक के लिए पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। वीडियो आज के यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नंबर डिस्क्रिप्शन पर है।